हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हिना बिलाल अपने मायके गई हुई हैं, तो आज मैं आ गया हूँ इम्तियाज़ कैश एंड कैरी, इम्तियाज़ मेगा, और मैं लेने वाला हूँ जो मेरा दिल करेगा। मैं खाने वाला हूँ जो मेरा दिल करेगा, मैं बनाने वाला हूँ जो मेरा दिल करेगा। आज मैं बिल्कुल ऐसे जीऊँगा जैसे मैं शादी से पहले जीता था, तो ऐसे लग रहा है जैसे जिन बोतल से निकला हो। खैर, ये तो सारा मजाक था थोड़ा सा। ऐसी बात नहीं कि हिना मुझे कुछ लेने नहीं देती या हिना मज़े के खाने नहीं खिलाती। इट्स जस्ट के इट्स अ चेंज और मैं इसको सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। और आज मैं बनाने जा रहा हूँ फिश एंड चिप्स। तो चले मेरे साथ और पहले शॉपिंग करते हैं, फिर मैं आपको सारी रेसिपी बताता हूँ, सारा तरीका बताता हूँ कि कैसे मैंने बनाया, और एंड में आप बताइएगा कि देखने में कैसा लग रहा है। मेरे तो अभी से मुँह में पानी आ रहा है। फिश मैंने ले ली है और साथ में क्रीम चीज भी। तो चलें, आज आपको मैं सी बाम फ्राइड फिश बनाकर दिखाता हूँ, देखते हैं कैसी बनती है। तो आज मैं आपको उसी स्टाइल में सारी रेसिपी एक्सप्लेन करता हूँ जिस स्टाइल में मैं काफ़ी सक्सेसफुल खाने पकाने वाले यूट्यूबर्स को देखता रहता हूँ। तो देखिए, मेरे अल्लाह ने कैसी कैसी मछली पैदा की है, और माशाल्लाह सुबहान अल्लाह कितने खूबसूरत साफ सुथरे ये पीस हैं। सबसे पहले हम इस मछली को अच्छी तरह से धो लेंगे, फिर इसके ऊपर लीमू लगाएंगे, सारे मसाले लगाएंगे। सारे मसाले मैं आपके सामने दिखाऊंगा, उसमें कश्मीरी लाल मिर्च है, अजवाइन है, गरम मसाला, सूखा धनिया, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट। बस इन चीजों को लगा के आपने अच्छी तरह से इसको छोड़ देना है फ्रिज में 3 घंटे के लिए। उसके बाद उस पर ब्रेड क्रम्स लगा के फ्राई करना है। तो मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है, अब आगे मैं बोलूंगा नहीं, सिर्फ आप देखेंगे। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तुमने कदम, लिख दी मेरे हमदम, हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा जीना तेरे बिना। अभी ये फिश बिस्किट्स रेडी हैं फ्राइंग के लिए, वी गोना फ्राई देम। अब हम एक एक करके इनको फ्राई करने के लिए डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने उल्टे तवे से कवर भी कर दिया था। थोड़ा सा ऊपर से चाट मसाला डालेंगे और डिनर्स रेडी।